अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकतम है। बड़ा ही दर्दनाक अफसोसनाक वाकया आज पेश आया हुआ। ये वारदात बड़ी ही तकलीफ देने वाली वारदात कह सकते हैं। बेलगाम शहर से महज कुछ किलोमीटर दूर नाव के क्रॉस के यहाँ पर स्नेहम इंडस्ट्रीज में लगी आग में बड़ा नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके शोलों के लपटे आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। इसे देखते हुए कई लोग जान बहक होने का खौफ डर भी महसूस किया जा रहा है। बेलगाम शहर से महज कुछ किलोमीटर दूर नौगिया क्रॉस पर वाकई स्नेहम इंडस्ट्रीज में आग लगने से बड़ा नुकसान होने की इत्तला हासिल हुई है। इस हादसे में कई अफराद जान बहक होने का भी कयास लगाया जा रहा है, पर इसकी तस्दीक अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस महकमा बड़े पैमाने पर वारदात की जगह पर पहुंच चुका है। आज रात इस वारदात के बाद शहर में अफसोस का मुजहरा किया जा रहा है। 70 से 80 अफराद अभी भी फैक्ट्री में फंसे होने का खौफ जाहिर किया जा रहा है। आग की लपेटे आसमान को छूती नजर आ रही हैं। इस हादसे के बाद कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वारदात की जगह पर पहुंच चुकी है। अभी तक कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा नहीं है, पर बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। वाजा रहे स्नेहम इंडस्ट्रीज टेप बनाने की फैक्ट्री है। इस वारदात ने शहर और अतराफ के लोगों को हिला कर रख दिया है। हादसे जब पेश आते हैं तो किस तरह मजदूरों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसे एक बार फिर महसूस किया गया। अभी तक सही इत्तला हासिल नहीं हुई है, लेकिन जिस कदर दहकते शोलों को देखने को मिल रहा है, तारीखी हादसा ही कह सकते हैं। इस मौका वारदात पर मौजूद कुछ लोगों को कहते हुए देखा गया। कई सारे फोन इत्तेहाद न्यूज के दफ्तर को भी आए और इन वीडियोज के जरिए से हम खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पोर अजून किती आहे तो आत? ए अण्णा, पोर अजून किती आत आहेत? काय समजे ना पोर, ती उठती भेट करतो। हा, ती उठती भेट करतो। सर्व्ह अजून आहेत त्यात? एवढं आलं तर कसं? लय मोठं प्रकरण झालं ना हे। वा, लय त्याच्यात पासापूर मार्गवीरच्या ಬಾಳಾಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತ ಏ ನಡ್ರ ಹೊರಗ ಬಾಳ ಹಾರತ ನಡ್ರ ರಾಜಾ ಸುಜಾ ಏ ಹೊರಗ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾರತಾವ ಈಗ ಕಮ್ಮಿಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಚ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಅದಾರ ಹೋಯ್ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಗುರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗ ಇನ್ನ ಎದಾರ ಅನ್ನತ್ತಾರ ಒಳಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಇನ್ನ 5 ಮಂದಿ ಅಂತ